उदाहरण तीन, दिए गए त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर एसी तथा एडी कोण ए का कोणार्धक है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण सी। बच्चों, अब हम उदाहरण तीन पर काम करने जा रहे हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें भुजा ए बी भुजा ए सी के बराबर है, और एक जानकारी और दी हुई है वो ये है कि ए डी कोण ए को दो बराबर भागों में बांटता है, उसका कोणार्धक है। इसका मतलब ए डी के द्वारा कोण बी ए सी दो बराबर भागों में बंट रहा है, तो कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के, ये भी हमें जानकारी दी हुई है। और हमें सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण सी, ये जो कोण बन रहा है कोण बी वो कोण सी के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। अभी तक आपके जो अनुभव हैं उससे आप समझते हैं कि ऐसा करने के लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों का सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा, और सर्वांगसम सिद्ध करने की जो शर्तें होती हैं, जो परिस्थितियाँ होती हैं, आपको मालूम है कि यदि दो भुजा और उनके बीच का कोण बराबर हो दोनों त्रिभुजों में, तो हम कह सकते हैं सर्वांगसम है, या दो कोण और कोण बनाने वाले भुजा अगर बराबर है दोनों त्रिभुजों में तब भी सर्वांगसम हो सकते हैं, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं दोनों त्रिभुजों की तब भी हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अब आप देखिए यहाँ पर कि आपको एक सूचना मिली हुई है, एक जानकारी दी हुई है कि ये भुजा इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, क्या भुजा ए डी के बारे में हम कुछ कह सकते हैं? आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा भुजा ए डी दोनों त्रिभुजों में मौजूद है, उभयनिष्ठ है। त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी दोनों में ए बी उपस्थित है, तो ये उपस्थिति बताती है कि दोनों के लिए ये भुजा बराबर है। इन सभी कथनों को हम लिख लें, हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी, ए बी बराबर ए सी, ये दिया हुआ है, और साथ ही ये कोण जो ए के दोनों तरफ ए पर बनने वाले दो कोण हैं बी ए डी कोण बी ए डी और कोण सी ए डी कोण सी ए डी, ये भी बराबर है, ये भी हमें दिया हुआ है। और तीसरी चीज़ ए डी है जो आप देख रहे हैं दोनों त्रिभुजों में है, इसे भी आप लिख लें कि भुजा ए डी बराबर भुजा ए डी। अब बहुत आसानी से इस बात को समझ पा रहे होंगे कि पहले त्रिभुज में दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज में इन दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर है, और हम कह सकते हैं भुजा कोण भुजा प्रमेय के आधार पर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहे जा सकते हैं। तो ये आप लिख लें कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, और सर्वांगसम होने की स्थिति में जो शेष अवयव है जो संगत है वो भी आपस में बराबर होंगे। तो आप देख रहे हैं कि कोण ए बी डी का संगत कोण ए सी डी दिखाई पड़ रहा है, तो इसके आधार पर आप ये कथन कह सकते हैं कि पहले त्रिभुज ए बी डी में कोण बी, इसे आप लिख सकते हैं कोण बी या पूरा कोण लिख लें, पूरा नाम लिख लें, कोण ए बी डी बराबर कोण सी या कोण ए सी डी, कोण ए सी डी, संक्षेप में आप इन्हें कोण बी बराबर कोण सी भी लिख सकते हैं, और यही हमें सिद्ध करना था। और आपके लिए बहुत आसान है, दो चीज़ें हमें दी हुई थी, एक आपने त्रिभुज की रचना के आधार पर देखा कि दोनों उभयनिष्ठ है, और फिर आपने सर्वांग क्षमता की शर्तें वहाँ पर आरोपित की और प्रमाणित कर लिया कि दोनों कोण आपस में बराबर है, और इस तरह से आपका ये उदाहरण हल होता है।